मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने आई वीडियो के स्टार्टिंग में न्यू ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस, अगर आप लोग भी अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और गाइस, अगर आपको कान मास्टर प्रो ऐप चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कान मास्टर प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और कान मास्टर प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपको कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस, आपको नायर एसू 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस, आप अपनी फोटो के या किसी भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपको अपनी फोटो के या किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करें, वॉलपेपर को अच्छे से आपको सेट कर लेना है। इस तरह से गाइस, आपको जूम करके वॉलपेपर को अच्छे से सेट करना है। सेट होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर थोड़ा सा लंबा कर लेना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस, आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में, इस तरह फुल स्क्रीन में लगा लेना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिला की कलर, इसमें आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन सारी वीडियो कुछ इस तरह से लग चुकी है। अब गाइस, आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस वीडियो को खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रॉपिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह से आपको वीडियो को क्रॉप करना है। इस तरह से गाइस, आपको वीडियो को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन करना है। इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस, आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको वीडियो के एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। गाइस, आपको वीडियो की एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कैची वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू एड टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी।
यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आपको इसी तरह से सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। तो चलिए हम जल्दी से सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेते हैं। गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।